पूनम्स किचन। आज पूनम्स किचन में बनने वाली है साबूदाने की टिकिया। इसके लिए मैंने साबूदाने को पानी में भिगो दिया है 5-10 मिनट के लिए। अब ये सारा पानी मैं निकाल दूंगी, पूरा पानी मैंने इसका निकाल दिया है। अब हम इसको 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे और इसे बीच बीच में छीटा मारते रहेंगे। साबूदाने की टिकिया बनाने के लिए देखिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। साबूदाने हमने जो भिगो के रखे थे, देखिए ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं और ये गल भी चुके हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिए बॉइल पोटैटोस और मूंगफली को मैंने सेक करके उसके छिलके उतार के उसको कूट लिया है। और ये हरा धनिया और ये हरी मिर्ची। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साबूदाने में मैंने डाल दिए हैं बॉइल्ड आलू मैश करके और मूंगफली के दाने, हरा धनिया और हरी मिर्ची। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले, काली मिर्ची, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। देखिए ये टिक्की का मैंने डो तैयार कर लिया है। आइए अब हम इसकी टिक्कियां बना लेते हैं। हम पहले हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। बड़ी छोटी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार। ऐसे हम गोल बना के इसको फ्राई करेंगे। देखिए टिक्कियां बनकर तैयार हो गई है। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, आइए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। आइए इनको पलट लेते हैं और इनको क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अभी और इसको फ्राई करेंगे। देखिए क्रिस्पी और ब्राउन हो गई है हमारी टिक्की और अब हम इसे सर्व करेंगे। और आप ये व्रत में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है और ऐसे भी आप स्नैक्स के रूप में बनाकर खा सकते हैं और बहुत इजी होती है बनाना, आप भी जरूर इसे ट्राई करें। देखिए चटपटी साबूदाने की टिक्किया रेडी टू सर्व, बहुत ही चटपटी बनी है, आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। बच्चे भी इसे शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। आप सबके लिए बनाइए और सबको खुश करिए बनाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।